हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 सेकंड सम का फिफ्थ पार्ट। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. एक लाइब्रेरी है, वो बुक को किराए पर देती है। वो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज लेती है, उसके बाद पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। ठीक है, 3 दिनों के बाद जो भी दिन होता है उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज पर डे लेती है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है आगे, सरिता पे 27, सरिता जो है ₹27 पे करती है 7 डेज के लिए। इसके बाद सूजी 5 डेज के लिए ₹21 पे करती है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फिक्स चार्ज फाइंड करना है। 3 दिनों के बाद पर डे एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, वो हमें पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है। ठीक है, तो जो हमने फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमने फाइंड करना था उसको मैंने लेट कर लिया, लेट द फिक्स चार्ज। 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज लगेगा उसको मैंने एक्स ले लिया, रुपीस एक्स। ठीक है, इसके बाद द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जो पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा उसको मैंने रुपीस वाई ले लिया। अब आगे देखो ये क्या कह रहा है, सरिता जो है ₹27 पे करती है 7 डेज के लिए। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3 डेज का जो है फिक्स चार्ज कितना है एक्स, इसके बाद सरिता जो है 7 डेज के ₹27 पे करती है। ठीक है, तो ये फिक्स चार्ज जो है वो 3 डेज के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस किया, इसके बाद 3 डेज के अलावा कितने डेज रहेंगे, 4 डेज। ठीक है, तो 4 और पर डे का चार्ज जो है वो है वाई। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 7 डेज। ठीक है, तो इसके जो है वो ₹27 पे करती है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे, सूजी जो है 5 डेज का ₹21 पे करती है। ठीक है, 5 डेज, तो सबसे फर्स्ट एक्स, यहाँ पर ये एक्स जो है ये 3 डेज के लिए है। इसके बाद 3 डेज यहाँ पर हो गए, टोटल 5 करने हैं हमने। ठीक है, 3 और 2, ठीक है, यहाँ पर 5 हो गए। और पर डे का चार्ज जो है यहाँ पर वाई है, तो ये 2 डेज का चार्ज जो है 2y हो जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ पर बनेगा ₹21। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम इसमें x या y वाली टर्म को सेम करते हैं, तो यहाँ पर तो x वाली टर्म यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर x वाली टर्म सेम है, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ही लिखेंगे यहाँ पर, x प्लस के 4y इक्वल टू 27, x प्लस के 2y इक्वल टू 21। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। अब ये जो साइन मैंने लगाए हैं ये सेकेंड इक्वेशन के माने जाएंगे। अब यहाँ पर x प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, तो कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस का, 4 में से 2 गए 2, y बड़े वाला 4 है, 4 के आगे प्लस है तो प्लस का आएगा। इसके बाद इक्वल टू में 27 प्लस का है, 21 माइनस का है। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 में से 21 गए 6, बड़े वाले के आगे प्लस है तो प्लस ही आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको कट करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, वाई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 3। अब इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट है हमारी x प्लस के 4y इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे हम, x प्लस के 4y है हमारा 3, यहाँ पर पुट करेंगे इक्वल टू 27, x प्लस के 4 3 इज़ 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, x इक्वल टू 27 में से 12 गए, यहाँ पर बचेंगे 15, x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, और y की वैल्यू आ गई 3। लास्ट में हम लिखेंगे हैंस द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, फिक्स चार्ज को मैंने माना था x, x की वैल्यू हमारे पास आई है 15। ठीक है, ₹15, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को मैंने y माना था, y की वैल्यू आई है 3। ठीक है, तो ₹3। तो जो फर्स्ट 3 डेज जो है लाइब्रेरी चार्ज करती है वो ₹15, उसके बाद 3 दिनों के बाद जो पर डे चार्ज करती है वो है ₹3। तो ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।